हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज के एक्सरसाइज नंबर 6.2 की। आज हम लोगों ने शुरू करने हैं उसके क्वेश्चन नंबर 8 से अगले सवाल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन विच हमें फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि 11 है, उसकी nth टर्म गिवन है, लास्ट टर्म विच इज 68 एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन टू अस विच इज 3। अब हमने करना क्या है, हमने फाइंड करना है कि टोटल टर्म्स कितनी है। मुझे लास्ट टर्म गिवन है 68। अब जाहिर बात है जितनी यहाँ पे n की वैल्यू होगी उतनी ही टर्म्स आपके पास इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करेंगी। अब जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें कैसे स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द वर्ड एपी, उसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला हुआ है तो आपके माइंड में फौरन से इसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए। व्हाट वाज द फॉर्मूला, इट वाज ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। अब इसके अंदर सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं, हमें सारा कुछ गिवन है। ए एन इज गिवन टू अस एज 68 इक्वल्स ए वन इज 11 प्लस एन हमने फाइंड करना है द नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितनी टर्म्स इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, वाइल द डी इज 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ओके 68 विल रिमेन सेम, जो 11 प्लस हो रहा है राइट में आके माइनस इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1। 68 में से 11 माइनस करें आपके पास आ जाएगा 57 इक्वल्स टू 3 टाइम्स एन माइनस 1। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे इक्वल के लेफ्ट पे आके 57 को डिवाइड करेगा, सो 57 ओवर 3 विल बी इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे 3 वन्स आर 3, 3 वन्स आर 3, 2 कैरी, 3 नाइन्स आर 27, तो मेरे पास आ जाता है 19 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब जो 1 माइनस हो रहा है लेफ्ट पे जाके ऐड हो जाएगा, सो यू विल गेट 19 प्लस 1 इक्वल्स टू n एंड द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ n वुड बी 20। तो इसका मतलब ये हो गया देयर विल बी 20 टर्म्स इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके लिए हमें ये डाटा गिवन है। तो इसको लिख लेते हैं, सो कितनी टर्म्स होगी जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, टोटल 20 रकमें होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है जी, इफ द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n-1, इसकी nth टर्म मुझे गिवन है 3n-1, तो हमने करना क्या है, आई नीड टू फाइंड माई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस तरह के सवाल हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में भी करके आए हैं, वहां पे भी हमें nth टर्म गिवन होती थी बट वहां पे एपी का वर्ड मेंशन नहीं था। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एन की जगह 1 2 3 4 पुट करके अपनी सीक्वेंस फाइंड कर लेंगे। इट डजेंट मैटर कि वो एपी आती है या नहीं आती, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि द रिजल्टिंग टर्म विल बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जबकि 6.1 में हमारे पास मेंशन नहीं था। तो ये सेम उसी तरह है, तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। nth टर्म हमें गिवन है यानी कि ए एन इक्वल है जी 3n-1 के, तो सॉल्व करते हैं जी कैसे, सिंपली विल राइट पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन टू गेट द सीक्वेंस। अब क्या होगा जी, पहले n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 1-1, 3 वन्स आर 3-1, इट विल गिव यू 2। सेकेंड टर्म की तरफ जाना है, n की जगह 2 पुट करें तो जहां जहां n आ रहा है वहां वहां पे 2-1, 3 2s are 6-1, इट विल गिव अस 5। थर्ड टर्म निकालनी है n की जगह 3, सो 3 into 3-1, 3 3s are 9-1, इट विल गिव अस 8। यानी कि जो रिजल्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास आती है वो क्या होगी, दैट वुड बी 2 5 8 एंड सो ऑन, ये हमारे पास आ जाती है जी रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए एमसीक्यूज के हवाले से भी, वैसे भी आपकी लाइफ में, कि वेन एवर आप देखें कि nth टर्म इज इन लीनियर फॉर्म, जब भी nth टर्म हमें गिवन हो लीनियर फॉर्म में, वेदर इट इज मेंशन्ड कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो हर बार रिजल्ट करने पर आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बना करेगी। आप लोग इसको ट्राई भी कर सकते हैं। अब आप जाके 6.1 के क्वेश्चंस भी देखिएगा और उनमें से आइडेंटिफाई करें
एंड यू विल गेट टू नो कि ये आपके पास हकीकतन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनती हैं। कब? वेन एवर nth टर्म लीनियर होगी। ये लीनियर के लिए बात है, उसके अलावा नहीं। आगे मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ 6.2 एक्सरसाइज के। ही सेज डिटरमिन वेदर -19 एंड 2, दो टर्म्स हमें गिवन है, इनके बारे में क्या है जी, आर द टर्म्स ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। हम लोगों ने चेक करना है कि क्या ये दो रकमें हमारे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपीयर होती हैं या नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो गिवन है उससे मैं अपना डाटा लिख लेता हूँ, मेरे पास क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विच इज 17, उसके बाद मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का निकालें इट विल बी सेम। सो आई विल डू फॉर 13 माइनस 17 विच विल गिव मी -4। अब मैंने चेक ये करना है कि क्या पहले पार्ट में -19 को देखें कि क्या -19 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपियर होगा। तो वो मैं कैसे चेक करूँगा, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि ये मेरे सीक्वेंस की nth टर्म है। अगर ये मेरे सीक्वेंस की nth टर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास इसका लोअर इंडेक्स है n, इट शुड बी सम नेचुरल नंबर। अगर तो मैं n फाइंड करूँ और वो एक नेचुरल नंबर आ जाता है, जिसकी हमने बात की थी सीक्वेंस में कि a1 फर्स्ट टर्म को, a2 सेकंड, a3 थर्ड को, तो इफ़ आई गेट अ नेचुरल नंबर फॉर n, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे सीक्वेंस की टर्म है और जिस नंबर की टर्म होगी हमें वो वैल्यू पता चल जाएगी। अगर मेरे पास n नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ गया तो ये क्लियरली पता चल जाएगा कि इट इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। तो देख लेते हैं जी इसको, मैंने इसका मतलब इसके अंदर से क्या फाइंड करना है, आई नीड टू फाइंड माई n। द फॉर्मूला फॉर AP इज an इक्वल्स a1 प्लस n माइनस 1 d। वैल्यूज पुट करें, कंसिडरिंग an एज -19, a1 मेरे पास था 17 प्लस n माइनस 1, जबकि d की वैल्यू कितनी निकाली थी, -4। ये 17 जो प्लस हो रहा है लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा जी, माइनस इक्वल्स टू -4 टाइम्स n माइनस 1। अब सेम साइन जो तो ऐड करते हैं लेकिन साइन वही रहता है, सो आई गेट -36 इक्वल्स टू -4 टाइम्स n माइनस 1। अब क्या होगा जी, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, देन जो 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है 36 के नीचे आके डिवाइड इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 36 को 4 पे डिवाइड करवाएं, हमारे पास कितना आ जाता है, विल गेट 9 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब माइनस 1 को लेफ्ट में लाके ऐड करें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 10। तो यानी कि मेरे पास एक नेचुरल नंबर आ रहा है 10, इसका मतलब ये हुआ कि -19 इज द 10th टर्म ऑफ आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच कंक्लूड कि जी हाँ -19 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है और यही चीज़ हम लोगों ने चेक करनी थी। सो इस बात को लिख देते हैं। इसके साथ ही हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें 2 गिवन है एंड वी नीड टू चेक कि क्या 2 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपीयर होता है। तो सेम प्रोसीजर है जैसे हमने -19 को चेक किया, आइए शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में डाटा हमारा सेम है, क्या जी, a1 हमारे पास है 17, कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने निकाला था -4, उसके बाद अब यहाँ पे जो nth टर्म हम लोग कंसीडर करेंगे an दिस टाइम इस पार्ट के लिए वो क्या है जी, 2। एंड फॉर दिस an हम लोगों को n फाइंड करना है कि क्या वो एक नेचुरल नंबर आता है या नहीं आता। विल यूज द सेम फॉर्मूला अगेन, an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। वैल्यूज पुट करें, an है जी 2 equals a1 17 plus n minus 1 times minus 4, 17 plus left में आके minus 2 minus 17 equal होगा जी minus 4 times n minus 1, 2 minus 17 क्या आ जाता है minus 15 equals to minus 4 times n minus 1। अब आपके पास वही चीज के minus minus के साथ cancel हो जाएगा और 4 जो राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे आके डिवाइड, सो 15 ओवर 4 विल बी इक्वल्स टू
एन माइनस वन। क्या 15 4 पे डिवाइड होता है? जी नहीं। जब 15 4 पे डिवाइड नहीं होता, मैं माइनस वन को भी लेफ्ट पर लेके आऊं, सो 15 बाय 4 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, ये मेरे पास क्या रिजल्ट करेगी जी, एन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 19/4, यानी कि एक फ्रैक्शनल नंबर। अब चूंकि ये होल नंबर नहीं आ रहा, तो इट इज़ क्लियर कि ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बात की थी फॉर दिस टू बी अ टर्म ऑफ आर एपी हमारे पास एन की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए, जैसे कि 10 आई थी इसके फर्स्ट पार्ट में, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही। सो इट मीन्स कि जो 2 है वो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपेयर नहीं होता। इसको लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 हमारे गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपेयर नहीं होगा जैसे कि सीक्वेंस प्रोग्रेस करेगी।